हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और देख लीजिए दोस्तों, बीमारी भी ख़त्म हो गई है और हम जा रहे हैं गांव। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा पीछे, देख लीजिए क्या है, ये के सारे मैंने ढेर लगा रखे हैं कपड़े, और मुझे पैक करना है अपने कपड़े। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया तो था, देखो इस साइड भी कपड़े रखे हैं, ये देख लीजिए ये बैग है, और ये जो मैंने आपको दिखाया था वो है। तो आ जाइए दोस्तों, चाय पी लीजिए, मैं चाय पी रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए ये छोटे से गिलास में ये चाय है। तो मैं बात करते करते आपसे तो मैंने सोचा चढ़ा देती हूँ, और धीमे धीमे पक रही थी मेरी चाय और मैं भूल गई थी कि मैंने चाय भी चढ़ा रखी है गैस, तो थोड़ी सी चाय मेरी जल गई है। तो बहुत सारे कपड़े हैं दोस्तों, यार मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा ब्लैक कलर का कुत्ता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं ब्लैक कलर तुम पे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे पास ब्लैक कलर की साड़ी भी है और ये कुर्ता भी है। मैं सोच रही हूँ इसको मैं गांव ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ, क्योंकि ये हाफ स्लिप का है और गांव में हमारे मतलब हमारे में हाफ स्लिप के कपड़े नहीं पहनते हैं, आजकल पहनने लगे हैं शहर में, मगर गांव में नहीं पता मुझे गाँव में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उसको ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, और आप बताना मैं ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। और साड़ी तो ब्लैक कलर की ले ही जाऊंगी, साड़ी तो सारे ही पहनते होंगे दोस्तों, है ना? और आप बताना मैं और मैं क्या कहने वाली थी, हाँ हम दोस्तों गांव जाने वाले हैं, तो आप मेरी वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें मेरी वीडियो, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम जा रहे हैं गांव बहुत ही दिनों के बाद, 8-7 साल बाद जा रहे हैं, 7 साल बाद, 7 साल की मेरी बेटी हो गई है। जब वो 3 महीने की थी जब हम गए थे गांव उसका मुंडन करवाने के लिए, और अब जा रहे हैं गांव, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। मैं आपको अपना पूरा गांव दिखाऊंगी और खेत भी दिखाऊंगी, और जो जो भी होता है गाँव का मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो मिलते हैं बाद में, क्योंकि मुझे चाय भी पीना है, और नहीं तो मेरी चाय ठंडी जाएगी, और पैकिंग भी करनी है, बहुत सारी पैकिंग करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो सारा काम मुझे ही करना है। और अभी हंगामा मचाने वाले बच्चे गए हुए हैं नीचे, और इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, नहीं तो लोग ना बात नहीं करने देते हैं। तो आज मेरी हालत भी देख लीजिए, आज मैं कैसी लग रही हूँ, बेकार सी, कुछ भी नहीं पहन रखा, मतलब मैं ऐसी रहती हूँ घर में। नहीं तो ना मेरे बच्चे ना ये देखो कान में भी नहीं पहन रखा, ऐसे खींच देते हैं निकाल देते हैं, मंगलसूत्र भी गर्मी भी बहुत हो रखी है, तो बहुत सारी तैयारी करनी है फ्रेंड्स। और मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा खुद भी। चलिए चाय पी लेते हैं, क्या पता चाय पी के थोड़ा सा दिमाग चलने लग जाए मेरा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देख लीजिए मेरे हस्बैंड सब्जी लेकर आए थे हरी हरी, तो मैंने सोचा दिखा दूं। ये देख लीजिए सारी सब्जियां हैं, धो के रख दिया है मैंने सारी सब्जियां, और ये भूल गए जल्दबाजी में, इसको भी धोना है, हरा धनिया और अदरक, और जो कि चाय में डलती है। और ये सारी सब्जियां हैं, आम है देख सकते हैं आप, और ये चावल है, हम ये वाला राइस खाते हैं। तो अभी काफ़ी दिनों से रखा है, क्योंकि मैं धो के अच्छे से सुखा के रखती हूँ, नहीं तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। और ये देख लीजिए ये बनाने जा रही हूँ, एक तो ताज़ी लौकी है और एक बासी, मतलब दिख रहा होगा आपको ये मतलब ख़राब नहीं है, सिर्फ ऊपर से थोड़ी सी हो गई है। और सब्जी मैं ये वाली बनाऊंगी,
और देख लीजिए आप, हम कहाँ जा रहे हैं। आज नहीं जा रहे, सॉरी, मतलब अभी समय है, पैकिंग चल रही है। हम जा रहे हैं गाँव, तो बने रहिए मेरी वीडियो तक, मतलब एंड तक बने रहिए। और पैकिंग चल रही है ज़बरदस्त, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। कपड़े इतने सारे हैं, पैकिंग करनी है ढंग से। और ये देख लीजिए, शॉपिंग करी थी मैंने, छोटा सा पर्स लेकर आए थे, और ये मेरा बड़ा पर्स, मतलब दोनों ही मेरे हैं, मगर एक मेरी बेटी छोटी वाली कह रही थी मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा ले लो। ये देख लीजिए, अपनी छोटी बेटी के लिए, अपनी तानिया के लिए लेकर आई थी मैं एक अच्छी, मतलब थी, मगर मैंने सोचा एक और ले लेती हूँ, बड़ा साइज था, चेक करने के लिए कि ये ठीक है कि नहीं। और ये मेरी छोटी बेटी का है, मैं एक एक आपको दिखा देती हूँ। और ये इसका है, ये देख लीजिए, मैं करके दिखा रही हूँ आपको। और अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहें। तो ये देख लीजिए, इसका ये है, दोनों रख दिया है मैंने। और ये फ्रॉक है ऑरेंज कलर की, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, लाइट वेयर है, इसमें गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल। और गांव में आपको पता ही है कितनी गर्मी होती है, तो मैं बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ गांव, पूरे 7 साल बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी बड़ी बेटी का है, और ये दो लिए थे मैंने, एक रेड कलर का और एक पिंक कलर का, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देख लीजिए, पूरा ऊपर से नीचे से दिखा रही हूँ, ये सारे हल्के हल्के कपड़े लेकर आई थी मैं गर्मी में पहनने के लिए। और आप समझ सकते होंगे, आपका गांव होगा तो, कि गांव में कितनी गर्मी है। और एक ये लेकर आई थी, ये भी अच्छा लग रहा था, बहुत हल्के हल्के कपड़े हैं दोस्तों, और बहुत सुंदर हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे कलर हैं इनके। और ये मेरी बेटी की टी शर्ट है, बड़ी बेटी की, और ये देख सकते हैं आप। अभी मुझे पैकिंग करनी है बहुत सारी, तो मैंने कहा पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर पैकिंग करेंगे, और पूरा गांव दिखाऊंगी मैं आपको, आप मेरी वीडियो में बने रहें। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि बहुत कम कमेंट आते हैं, मगर अब आने लग गए हैं, मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो देख लीजिए।